हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो जैसा कि एक्सरसाइज 20.1 पर आपका बहुत ही ज़बरदस्त हमें फीडबैक मिला और हमने बहुत जान लगाई थी उस वीडियो के अंदर कि आप 20.1 को बहुत अच्छे से समझें, और आई होप कि 99% स्टूडेंट्स ने उस एक्सरसाइज को गेट किया है, कॉन्सेप्ट को हासिल किया है, जो समझाना चाहता था वो आपने समझा भी है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 20.2। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे होते हैं कि सर आप पढ़ाएंगे तो ही हम पढ़ेंगे, आपके आश्रय पे बैठे हुए हैं। तो बच्चों, देयर आर सम इश्यूज, ठीक है, बहुत सारे काम भी हैं, क्लास 9 की वीडियोस भी चल रही हैं। तो आज बहरहाल हम बात करेंगे एक्सरसाइज 20.2 की। सो दिस इज आलियान मलिक और आप देख रहे हैं हमारा छोटा सा प्यारा सा चैनल द एजुकेशनल हब। शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ। क्यूब रूट्स यहाँ पर ये नहीं करना है कि भाई 64 सर हमें पता है, 64 तो 4 का क्यूब होता है, सर आंसर हो गया। ऐसा काम यहाँ नहीं करना है, यहाँ ज़बरदस्ती लंबी करनी है भाई, करके दिखाना है, थोड़ी सी कहानियाँ नहीं आने वाली हैं। उससे पहले बच्चों चार चीज़ें आपको याद करनी है। नंबर 1, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। नंबर 2, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। ये सारी चीज़ें आपने क्लास 9 में मुझसे मेरे साथ याद की हुई हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि मुझे देखने वाला कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसको ये दो फार्मूलाज याद ना हो। लेकिन अगर याद नहीं है तो फौरन से जो है ना डिप्रेशन में ना चले जाया करो कि सर मैं तो पीछे रह गया हूँ बाकी मुझसे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आपने नहीं भी याद किया अभी तक, अभी कर लो, कोई देर नहीं हुई है, अभी याद कर लो और अभी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी दो चीज़ें बच्चों, दिस इज नॉट अ W, उसको W मत समझना, वो धमाल फिल्म वाला जिसके नीचे 10 करोड़ रुपए थे। दिस इज ओमेगा, ठीक है। ओमेगा के अंदर हम जो W की तरह बनाते हैं और एक जो दुम होती है उसको थोड़ा सा घुमा देते हैं स्मॉल W की तरह, तो दिस इज ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू बच्चों आपको याद होनी चाहिए, दैट इज -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ठीक है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज ओमेगा स्क्वायर, उसकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। सो ये चार चीजें ये आपको याद होंगी तो पहला क्वेश्चन आप बहुत मजे से बहुत अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं, उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये चार चीजें याद करनी। अच्छा, कुछ बच्चों के जहन में सवाल आ सकता है कि सर ये ओमेगा कहां से आया और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से आई। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि सर हाँ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कैसे आई है, ये भी बता दें, तो फिर इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बेसिकली वो एक इंट्रोडक्टरी टाइप वीडियो होगी, एक्सरसाइज 20.2 की इंट्रोडक्टरी, और उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी नहीं है कि ये कहाँ से आया है, ठीक है। लेकिन आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, चाहते हैं कि नहीं सर हम सीखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, तो आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी। चलो भाई, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत मंजर हो गया, सोल्यूशन शुरू करते हैं। पहला पार्ट है 64, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप बच्चों आपने करना है लेट। मान लो, हमेशा हमने मान की तो काम किया है, लेट मान लो जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चन है उसको एक्स क्यूब के बराबर मान लो। आई रिपीट, जो भी क्वेश्चन है उसको एक्स क्यूब के बराबर मान लो। तो लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64, ये बात समझ में आई। जो भी क्वेश्चन है उसको एक्स क्यूब के बराबर मान लो। प्लस का 64 है बच्चों, यहां ले आओ तो ये बनेगा माइनस का 64, और 64 यहां आ गया तो यहां 0 रह गया। बोलो भाई, ये बात समझ में आती है? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। 64 यहाँ प्लस का था, वहां कर माइनस का, क्लियर हो गई बात। अब बच्चों ये माइनस नजर आ रहा है तो हमने ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर क्रिएट करना है, हमने ये फॉर्मूला बनाना है। क्लास 9 में बहुत सिखाया है और अगर याद होगा जल्दी कर लोगे, नहीं भी याद सीख लोगे। चलो भाई, कैसे बनाएंगे? मैं दो ब्रैकेट्स बनाऊंगा क्यूब के लिए, ठीक है। दो ब्रैकेट्स बनाऊंगा क्यूब के लिए, मैं कहता हूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू 0। अब मैं इनको ब्रेक करूंगा, तोड़ूंगा। एक्स क्यूब किसका क्यूब होगा बच्चों? खाली एक्स का, तो मैं लिख सकता हूं एक्स का क्यूब ऐसे बाहर। जब इसको मैं खोलूंगा एक्स का क्यूब क्या आएगा? एक्स क्यूब आएगा, क्लियर है? हाँ भाई, 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। स्क्वायर क्यूब आपको दिया हुआ भी, आपको याद भी होगा। तो क्या मैं बच्चों इनको ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। एक्स क्यूब को मैं लिख सकता हूँ एक्स का क्यूब माइनस 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 का क्यूब। बोलो भाई, लिख सकता हूँ? ठीक है ना। दिस एक्स इसको आप समझ लें ए, एंड दिस 4 नाउ कंसीडर इट एज बी। मुझे बताओ ये फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब किसके बराबर होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर,
समझ में आ रही है बात। अब इस फॉर्मूले को हम खोल देंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू किसके बराबर है, ए माइनस बी, ए कौन है बच्चों हमारा एक्स है, माइनस इस फॉर्मूले को देखते जाओ ठीक है, बी कौन है हमारा फोर ठीक है, अगली ब्रैकेट स्टार्ट हुई, ए स्क्वायर तो ए कौन है एक्स तो एक्स स्क्वायर ठीक है, प्लस ए बी, ए बी का मतलब मल्टीप्लाई हो गया ए और बी, तो फोर और एक्स मल्टीप्लाई हुए तो फोर और एक्स, फोर एक्स आएगा क्लियर है, प्लस बी स्क्वायर तो बी कौन है फोर, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, यहां तक बात क्लियर है, बोलो भाई यहां तक बात क्लियर, कुछ भी नहीं किया बच्चों, जस्ट वी हैव ओपन द फॉर्मूला, हमने सिर्फ फॉर्मूले को खोल दिया, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं, यहां से हमें एक आंसर मिल गया ठीक है, क्यूब रूट्स का मतलब ये कि हमें तीन आंसर फाइंड करने, तो हमें एक मिल गया है और वो यहां से मिला, कैसे देखो जरा बच्चों, इसको हम लिखेंगे, ये जो ब्रैकेट है x माइनस फोर, मैं कह देता हूँ इसको जीरो के बराबर, तो मैं यहाँ लिखता हूँ x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, माइनस का फोर वहाँ चला गया तो प्लस का फोर, ये हमारे पास एक आंसर आ गया, वी हैव दिस इक्वेशन ठीक है, दिस वन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू जीरो, नाउ यू आर नॉट गोइंग टू ब्रेक द मिडिल टर्म, आपने बच्चों यहां पर जितना भी काम करना है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ करना है, मुझे पता है कि ब्रेकिंग मिडिल टर्म मेरे साथ आप बहुत अच्छा सीख चुके हो, लेकिन यहां पर आपने ब्रेकिंग मिडिल टर्म हरगिज नहीं करना है, आई रिपीट ठीक है, आंसर गलत आएगा ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलो भाई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी सी अलग कर लेते हैं, हाँ भाई एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो वन है, ये हमारा ए हो गया, एक्स के साथ वाला हमारा बी होता है और खाली जो नंबर होता है वो हमारा सी होता है ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू, यही फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, जी हाँ हाँ सर आप सही कह रहे हैं, चले जी चलो 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 आगे बढ़ते हैं, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा फोर, अब बी क्योंकि प्लस का है ना तो डायरेक्ट लिख दो ठीक है, अगर माइनस का होता तो फिर ब्रैकेट में लिखेंगे, ये बात याद रखनी है ठीक है ना, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी कौन है भाई फोर, फोर का स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं ए और सी, तो ए कौन है भाई वन, सी कौन है 16 ठीक है, ए की जगह पर वन, फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यूज पुट कर दी, कोई नई काम नहीं है, कोई नई बात नहीं है, एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस माइनस अंडर रूट फोर का स्क्वायर बच्चों 16 होता है, माइनस माइनस प्लस माइनस 16 फोर जा 64 अपॉन टू वन जा टू, यहां तक बात क्लियर, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है बच्चों, फ्लो में आ रहा है, फील आना चाहिए, फील फील आना चाहिए, मजा आए कि चीज समझ में आ रही है ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ चलना है, बाकी जो भी काम कर रहे होते हैं साथ में स्टा विस्टा यूज कर रहे हो तो उसको रोक दिया करो, कॉपी पेंसिल रखा करो, कॉपी किया करो, साथ साथ कॉपी किया करो, बाद में उसको उसी को देख के प्रैक्टिस किया करो तो काम बनेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा कि पीछे रिप्लाई भी हो रहे हैं और साथ में सीख भी रहे, ऐसा काम नहीं हो सकता। अच्छा जी नाउ 64 में से 16 का 64 में से 10 गए 54, 54 में से 6 गए 54 में से 6 गए 48 बट माइनस का 48 क्योंकि 64 बड़ा है तो 64 का साइन माइनस तो माइनस का 48 क्लियर है अपॉन अपॉन टू वन जा टू टू वन जा टू क्लियर है नीचे टू ये समझ में आ रही बात चलो ना माइनस 48 आ गया अब माइनस को छोड़ दो 48 का एलसीएम लेते हैं 2 टू जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा और 3 1 जा अब बच्चों देखो 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 गौर से माय डियर स्टूडेंट्स बात को गौर से सुनना है समझ लें कॉन्सेप्ट जो आप फैक्टर्स बनाएंगे इन सारे फैक्टर्स को प्लस का रखना जो फैक्टर एक अलग नजर आ रहा है उसको माइनस का रख दो कैसे अरे नहीं समझ में आया सर करके दिखाओ ये लो माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट इस 48 की जगह लिख सकता हूं बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 बोलो भाई लिख सकता हूं जी हाँ सर लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं भाई 48 की जगह मैंने उसका एलसीएम लिख दिया उसके फैक्टर्स लिख दिए चार दफा 2 था एक दफा 3 था 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा
टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, एट टू ज़ा सिक्सटीन, सिक्सटीन थ्री ज़ा फोर्टी एट, सिक्सटीन थ्री ज़ा फोर्टी एट। बात समझ में आई? याद ये रखना, क्या याद रखना है? याद ये रखना है कि जो एक अलग से काली भेड़ नजर आ रही है उसके साथ माइनस लगा दो, जो जो जोड़ी के अंदर है, जो पेयर के अंदर है, उनको तंग नहीं करना है, उन सबको प्लस का रखना है। आंसर तो माइनस में ही आएगा ना भैया, प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, तो आंसर माइनस के अंदर ही आएगा, हमने कोई चेंज नहीं किया, तो एक के साथ माइनस लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पेयर बनाएंगे, ये एक जोड़ी, ये एक जोड़ी, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस माइनस, ये एक जोड़ी में से एक टू बाहर, एक इस जोड़ी में से बाहर, ठीक है, अंदर कौन बचा, माइनस का थ्री अपॉन टू। यहां तक बात क्लियर है? क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस माइनस, टू टू ये फोर हो गया। बच्चों मैं माइनस थ्री को क्या ऐसे लिख सकता हूं, थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, बोलो भाई, मना नहीं करना मुझे, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो मैथ ये कहता है कि आप अपनी मर्जी से चेंज ले आओ, क्वेश्चन के अंदर चेंज ले आओ, लेकिन वो चेंज ऐसा होना चाहिए जब हम वो चेंज खत्म करें तो हमारे पास उसी की असल हालत आनी चाहिए। मेरी बात को गौर से समझना। देखो ये प्लस का थ्री है, ये माइनस का वन है, गौर से देखो, प्लस माइनस माइनस, थ्री वन जा थ्री, वापस माइनस का थ्री आ रहा है ना, आ रहा है, हमने कर लिया चेंज, तो ऐसा चेंज करना है कि जब उस चेंज को खत्म करो तो वापस वही आए जो असल में था। समझ में आ गई बात? अब ये करने की क्या वजह, क्योंकि माइनस वन की वैल्यू हमें पता है, क्लास नाइन से पढ़ के आए थे पहले चैप्टर के अंदर, माइनस वन इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो हम जरा इसको बच्चों यहां से इरेज कर रहे हैं, वीडियो को पॉज करो, शाबाश, जल्दी से इसको कॉपी कर लो, हरी अफर यह जल्दी से, चलो थ्री टू वन लेट्स गो। चलो भाई, तो हम जरा इसको यहाँ आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, चलो चलो देखते जाओ, गौर से देखना है, समझना है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फील आना चाहिए। चलो भाई, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस माइनस फोर, नाउ अब गौर से देखना, थ्री माइनस वन की जगह आयोटा स्क्वायर, आई बात समझ, माइनस वन आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो आयोटा का स्क्वायर से रूट कट गया, ठीक है, आयोटा के स्क्वायर ने रूट को काटा है, याद रखना, तो आयोटा बाहर आएगा लेकिन थ्री बाहर नहीं आएगा, इस चीज को ध्यान में रखना है। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, सर आयोटा के स्क्वायर से रूट कट गया तो ये दोनों बार, अरे दोनों बार थोड़ी आएंगे, जैसे इसके ये दो है ना, इसका मतलब स्क्वायर है, तो इसके स्क्वायर ने रूट को काटा तो ये दो बाहर आया, इनके स्क्वायर ने रूट को काटा तो ये बाहर, लेकिन माइनस थ्री तो अंदर ही रहेगा ना भाई, अकेला है वो। ठीक है, तो यहां पर भी ख्याल रखना है। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस माइनस फोर, आयोटा बाहर आ गया, स्क्वायर से रूट कट गया तो आयोटा बाहर, अंदर कौन रह गया, थ्री अपॉन टू। नाउ बच्चों हमारे पास दो कंडीशंस बनेंगी, हमारे पास दो कंडीशंस बनेंगी, सो कंडीशन नंबर वन, ठीक है, कंडीशन नंबर वन जो है इसको देखते हैं, कर लो कॉपी कर लो इसको। चलो मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ बच्चों, ताकि एक तो आपको विजिबल हो, ठीक है, तो साथ साथ कॉपी करते जाया करो वीडियो को रोक रोक कर, ताकि आपको फिर इशू ना हो, मैं लेकिन टाइम भी देता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो भाई, अब एक दफ़ा एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, एक दफ़ा हम प्लस फोर आयोटा अंडर रूट थ्री अपॉन टू लिख लेते हैं, और एक दफ़ा हम लिखते हैं एक्स बराबर है माइनस फोर, प्लस का फोर तो ले लिया ना, अब माइनस का फोर आयोटा अंडर रूट थ्री अपॉन टू। ये बात तो सबको पता, क्लास नाइन में भी पढ़ के आए थे कि हमेशा हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसके अंदर दो आंसर्स आते हैं, ठीक है, एक हम प्लस के साथ लेते हैं, एक माइनस के साथ लेते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है बच्चों, गौर से सुनना है, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने हमेशा प्लस का नंबर कॉमन लेना है। ठीक है, यहाँ पर फोर और फोर नजर आ रहा है, तो दोनों में से प्लस का फोर कॉमन लेना है, गौर से सुनना ये बात, दोनों में से प्लस का फोर कॉमन लिया तो ये फोर तो बाहर आ गया, पीछे कौन बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो माइनस का वन बचा, गौर से देखना है बच्चों। ठीक है, नाउ ये फोर प्लस का है तो प्लस प्लस प्लस, ये फोर तो बाहर चला गया, पीछे कौन बचा, आयोटा अंडर रूट थ्री अपॉन टू। नाउ इधर आओ, अब ये नहीं कहना कि सर दोनों माइनस के तो माइन नहीं, माइनस कॉमन नहीं लेना है। ठीक है, कब लेना है वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी आपने दोनों में से प्लस का नंबर कॉमन लेना है। फोर चला गया, पीछे कौन बचेगा, माइनस वन,
ये प्लस का फोर था, गौर से देखो इधर, प्लस माइनस माइनस, ये फोर चला गया, पीछे कौन बचा, आयोटा अंडर रूट थ्री अपॉन। चलो भाई वापस आओ शुरू में जो बताया था, माइनस वन प्लस आयोटा अंडर रूट थ्री अपॉन टू, माइनस वन प्लस आयोटा अंडर रूट थ्री अपॉन टू, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, ओमेगा के। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू फोर और इस पूरी ब्रैकेट की जगह बच्चों हम लिख देंगे ओमेगा। ठीक है, इधर आ जाओ, इसको देखो, माइनस वन माइनस आयोटा अंडर रूट थ्री अपॉन टू, माइनस वन माइनस आयोटा अंडर रूट थ्री अपॉन टू किसके बराबर है बच्चों, ओमेगा स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, तो इस पूरे की जगह हमने क्या लिख देना है, ये फोर तो वैसे ही रहा, इस पूरी वैल्यू की जगह ओमेगा स्क्वायर। मजा आया। अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और देना है तुम्हें, अभी मजा नहीं आया। ठीक है, अभी तो ये पहला क्वेश्चन हुआ ना, देखो अब यहां पर एक ट्रिक सुननी है, ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पर आएंगे। जब भी आपके पास रूट क्यूब रूट निकालना हो प्लस वाले नंबर का, जैसे 64 216, ये प्लस के नंबर है, आपने हमेशा जब यहां पर कॉमन लेना है तो प्लस का नंबर कॉमन लेना है। अब मेरी बात ये देखो, ये देसी टोटका है, ये आपको हर कोई नहीं बताएगा, यहीं पर डिफरेंस क्रिएट होता है, तो इस चीज को गौर से सुनना है। जब भी आपके क्वेश्चन वाला जो नंबर है वो प्लस का हो, अभी मैं आपको पार्ट नंबर टू नहीं करवाऊंगा बच्चों, पार्ट नंबर थ्री करवाऊंगा, फिर पार्ट नंबर टू कराऊंगा, क्योंकि पार्ट नंबर टू इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है, उसमें थोड़ी अलग टेक्निक यूज होगी। तो अब ये याद रखना है, जब भी क्वेश्चन प्लस का हो और आपसे कहा जाए कि क्यूब रूट निकालो, तो आपने जब दो कंडीशन बनेगी आइदर और तो आपने प्लस का ही नंबर कॉमन लेना है। मैंने ये नहीं कहा कि प्लस का फोर कॉमन लेना है, प्लस का एट भी आ सकता है, नाइन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, यहां पर कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन जब भी कॉमन लोगे तो प्लस का नंबर कॉमन लोगे। यार बताओ, कमेंट करो और मुझे बताओ कि बात समझ में आई नहीं आई, कॉन्सेप्ट आया और फील आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन के बच्चों तीन आंसर थे, एक हमारे पास फोर आया, एक फोर ओमेगा आया और एक हमारे पास फोर ओमेगा स्क्वायर आया। ठीक है, सो अब मूव ऑन होते हैं अपने पहले पार्ट नंबर थ्री की तरफ। चलो भाई, तो अब बात करते हैं पहले पार्ट नंबर थ्री की। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है भाई, पार्ट नंबर थ्री है 216। तो लेट मान लो सवाल को एक्स क्यूब के बराबर, ठीक है, प्लस का 216 यहां पर आएगा, माइनस का 216 एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। जो काम पिछले सवाल में किया था बिल्कुल वैसी काम चलेगा। ठीक है, फॉर्मूले में तोड़ते हैं इनको, दो ब्रैकेट्स बना लो पहले, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब किसका क्यूब है भाई, खाली एक्स का क्यूब है। ठीक है, व्हाट अबाउट 216, 216 बच्चों 6 का क्यूब है। ठीक है, 6 का, तो मैंने इसको तोड़ के लिख दिया 6 का क्यूब। बोलो भाई, बात क्लियर है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 9 तक याद करो। अच्छा, इन तीन क्वेश्चन के बाद तुम्हें दो से तीन प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन और आंसर भी देंगे साथ में, तो प्रैक्टिस करनी है, कमेंट में बताना भी है सर हमने किया और आंसर भी सही आ रहा है, फिर मजा आएगा ना, पता चलेगा, बुक से बाहर निकलोगे तो बात पता चलेगी कितना सीखा। चलो भाई, तो x को मान लो a है और 6 को मान लो b, तो ये फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। बोलो भाई, बन रहा है, तो ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब किसके बराबर है, ए माइनस बी, तो ए कौन है, एक्स माइनस बी, बी कौन है, सिक्स। ठीक है, नाउ ए स्क्वायर, ए कौन है, एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ए बी का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिक्स और एक्स को, तो ये बनेगा सिक्स एक्स प्लस बी स्क्वायर, तो बी कौन है, सिक्स, सिक्स का स्क्वायर 36, विच इज इक्वल टू सी। एक आंसर तो हमें यहीं से मिल जाता है, ये वाला, तो एक्स माइनस सिक्स को जीरो के बराबर मान लेते हैं, सो x माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, माइनस का सिक्स वहां चला गया तो प्लस का सिक्स, एक आंसर तो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अगला हम यहां लिखते हैं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस 36 इज इक्वल टू जीरो। ब्रेकिंग मिडिल टर्म से नहीं करना है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ब्रेकिंग मिडिल टर्म पे नहीं जाना है बच्चों, ब्रेकिंग मिडिल टर्म पे नहीं जाना है। ठीक है, चलो ए बी सी अलग कर लेते हैं। हाँ भाई, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, वन है, तो ए एक्स के साथ कौन है, सिक्स, और खाली नंबर कौन है, 36। ठीक है, चलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर
माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा सिक्स, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। चलो भाई, तो बी की जगह कौन आएगा सिक्स, ए सी तो ए की जगह वन, सी की जगह पर थर्टी सिक्स, यहाँ पर ए है तो ए की जगह वन। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस माइनस अंडर रूट सिक्स का स्क्वायर बच्चों थर्टी सिक्स माइनस, और अच्छा ये माइनस क्यों आया भाई, माइनस प्लस माइनस, थर्टी सिक्स को हम फोर से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, सो थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई बाय फोर इज वन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर, थर्टी सिक्स फोर जा वन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर अपॉन टू वन जा टू। यहाँ तक बात क्लियर है, एक स्टेप और करते हैं, माइनस सिक्स प्लस माइनस अंडर रूट थर्टी सिक्स माइनस वन हंड्रेड फोर्टी फोर, तो बच्चों आएगा माइनस का एक सौ आठ। हाँ भाई माइनस का क्यों आया, सबको ये बात समझ में आ रही है, सबको ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि 144 बड़ा है बच्चों, प्लस माइनस माइनस 144 में से 36 गए 108, 144 बड़ा है तो इसलिए माइनस का 108। क्लियर है, बोलो भाई मज़ा आ रहा है, फील आ रहा है, कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है, मज़ा आ रहा होगा, है ना, सीख रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देंगे साथ साथ। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चलो भाई क्या करना पड़ेगा, 108 का एलसीएम ले लें इसलिए, चलो भाई, सो 108 तो 25 ज़ा 10, 24 ज़ा 8, 22 ज़ा 4, 27 ज़ा 14, 39 ज़ा 27, 33 ज़ा 9, 31 ज़ा 3, ठीक है। तो बच्चों गौर से देखो, माइनस सिक्स प्लस माइनस अंडर रूट, अब 108 की जगह मैं बच्चों ये सारे फैक्टर्स लिख दूंगा, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, दो टू हैं और थ्री टाइम्स जो है वो थ्री है, नीचे क्या है टू। अब मुझे बताओ माइनस का 108 चाहिए ना, क्या करें, जो बंदा अकेला बच रहा है, देखो भाई ये जोड़ी बन रही है, ये जोड़ी बन रही है, ये अकेला बच रहा है, तो इसके साथ इधर माइनस लगा दो, ठीक है, अकेला जो भी बचेगा उसके साथ माइनस लगा दो। देखो देसी टोट के बताता हूँ, तो कभी भी आंसर गलत हो ही नहीं सकता ना, हो ही नहीं सकता इंशाल्लाह, ठीक है। जब ऐसी चीज़ों का याद रखोगे ना, ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी अकेला नजर आए ना उसके साथ माइनस लगा दो, खुद ब खुद माइनस का आंसर आ जाएगा, नहीं यकीन आता चेक किया करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस माइनस, चलो भाई ये जोड़ी बनी, इस जोड़ी में से एक टू बाहर आ गया, ये एक जोड़ी बनी थ्री की, ये बाहर आ गई, अच्छा जो बाहर आते हैं ना वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये भी याद रखना है, अंदर क्या बचा माइनस का थ्री अपॉन टू ए। आगे बढ़ते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस माइनस टू थ्री जा सिक्स, हाँ भाई माइनस थ्री को लिख सकते हैं बच्चों थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, बोलो भाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्यों थ्री प्लस का है, प्लस माइनस माइनस थ्री वन जा थ्री वापस वही आएगा, तो हमने जो भी नंबर होता है ना अंदर थ्री होता है, ठीक है, क्योंकि ओमेगा लाने के लिए थ्री लाना पड़ता है, तो थ्री के माइनस को खत्म करने का क्या तरीका है कि थ्री को प्लस का करके उसको मल्टीप्लाई करवा दो माइनस, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्लास नाइन की एक्सरसाइज 8.4 और 8.3, अगर इसको और अच्छे से समझना चाहते हो ना तो उन एक्सरसाइजेस को देखो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर तीन ही पार्ट हैं, ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाएंगे, तो एक्सरसाइज 8.4 8.3 बाय द एजुकेशनल हब सर्च करो, उसको देखो, अगर ये चीज़ और अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो डिटेल मिलेगी उधर, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर भी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, प्लस माइनस सिक्स अंडर रूट थ्री माइनस वन किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर के अपॉन टू, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस माइनस सिक्स, आयोटा के स्क्वायर से रूट मर गया तो आयोटा बाहर आ गया, अंडर रूट थ्री अभी अंदर ही है। क्लियर है यहां तक बात, कॉन्सेप्ट आया, आगे बढ़े, दो कंडीशंस बनेंगी आइदर और, पहली कंडीशन क्या बनेगी भाई, एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस माइनस की जगह आप एक ले लो, प्लस का सिक्स आयोटा अंडर रूट थ्री अपॉन टू, सही है, तो दोनों में से क्या करना है, हाँ भाई माइनस सिक्स या प्लस सिक्स, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या था, प्लस का नंबर था ना, तो प्लस का सिक्स कॉमन लेना है, ठीक है, दिस इज देसी टोटका, कभी गलत नहीं होगा आंसर इंशाल्लाह, तो आपने दोनों में से प्लस का सिक्स कॉमन लिया,
अब ये 6 चला गया, लेकिन ये माइनस का था ना, आपने प्लस लिया था, तो यहाँ माइनस 1 तो बचेगा, ठीक है, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। अच्छा भाई, ये 6 चला गया, पीछे कौन बचा? आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2। हाँ भाई बताओ, माइनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 किसके बराबर होता है बच्चों? ओमेगा के बराबर, ठीक है। माइनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू ओमेगा, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे? ओमेगा। तो आप लिखेंगे 6 ओमेगा, ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया। अच्छा बच्चों, एक बात और याद रखनी है, जब भी आप इसकी जगह पर ओमेगा पुट करेंगे, आपने ये जो है ये 3 उल्टे डॉट बनाने हैं जहां क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पर आपने ये लिखना है, ठीक है। आपने बच्चों याद रखो कि हमेशा रेफरेंस देना होता है, ये नहीं होता अपनी मर्जी से आप उठाकर ओमेगा ले आए। आप पहले चेकर को बताएंगे कि यहां पर ये जो वैल्यू है ये ओमेगा के इक्वल है, तो लिहाजा आपने इसकी जगह क्या पुट कर दिया? ओमेगा पुट कर दिया। तो बच्चों हमने प्लस 6 के साथ जो है ये सॉल्व कर लिया है भाई, एक हमने यहां से प्लस 6 लिया था, अब हम माइनस 6 के साथ जाते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 6, ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 6 हमने ले लिया था, अब हम ले लेते हैं माइनस 6 आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2। अगेन दोनों में से प्लस का 6, दोनों माइनस के, लेकिन आपने सवाल को देखना है, सवाल प्लस का है तो आपने प्लस का 6 कॉमन लेना है, ठीक है। तो प्लस का 6 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 6 चला गया, पीछे आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2। अब यहाँ पर आपने दोबारा राइट हैंड साइड पे लिख के बताना है बच्चों, 3 उल्टे डॉट बनाकर के, एज वी नो माइनस 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 किसके बराबर होता है भैया? ओमेगा। इस मैंने एक दफ़ा लिख दिया, आपने जब भी रिप्लेस करना है ये लाजमी बच्चों रेफरेंस देना है। इसी वजह से बच्चों के मार्क्स डिटेक्ट होते हैं पेपर के अंदर, वो कहते हैं सर पेपर बहुत अच्छा हुआ था लेकिन मार्क्स कम आए, मार्क्स डिटेक्ट हुए, और वो इसी वजह से डिटेक्ट होते हैं। जब भी आपको चेंज करते हो ना, उसका रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी होता है कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है। मैंने इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें लिख दी हैं, आपने हर क्वेश्चन के साथ इसको करना है। देखो इसी से प्रैक्टिस आती है, इसी से प्रैक्टिस, जब एक चीज़ आप बार बार करते हैं, बच्चे कहते हैं सर एक दफ़ा हमें फॉर्मूला याद हो गया, अब हमें ज़रूरत नहीं है, वो वहीं पर फिर आपका डाउनफॉल स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये पूरा किसके बराबर? ओमेगा स्क्वायर के बराबर, तो आपने 6 के साथ लगा दिया ओमेगा स्क्वायर। कॉन्सेप्ट आया, फील आया बच्चों, ठीक है, क्लियर है। तो तीन आंसर 6 ओमेगा एंड 6 ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों ये था पार्ट नंबर 3, अब आते हैं वापस पार्ट नंबर 2 की तरफ और उसको देखेंगे कि वो हमने इसको कैसे बच्चों सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि वो माइनस का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा डिफरेंट केस है, तो ये दोनों एक जैसे थे तो मैंने इनको सॉल्व करवाया, उसके बाद आपने मुझे याद भी दिलाना है कि मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देने हैं। चलो भाई, चलो बच्चों अब बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 इज माइनस 125, ठीक है। तो काम ऐसे ही चलेगा, थोड़ा सा फॉर्मूला बदलेगा और आखिर में जाके थोड़ा सा काम चेंज होगा। तो आपने क्वेश्चन को मान लेना है, ठीक है, एक्स क्यूब के बराबर, माइनस का 125 यहाँ आकर बच्चों प्लस का 125 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो, पिछले दो क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा था वो फॉर्मूला बन रहा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, ठीक है, पहला चेंज यहाँ पर आया। चलो भाई ब्रेक करते हैं, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स का क्यूब ऐसे 125, 5 का क्यूब होता है, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो इस एक्स को ए मान लो और 5 को बी मान लो, तो ये बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है भाई? ए प्लस बी, तो ए कौन है? एक्स, प्लस बी कौन है? 5, इंटू ए स्क्वायर, तो ए कौन है? एक्स, ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए और बी 5 और एक्स, 5 नहीं लिखेंगे 5x लिखते हैं, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है भाई? 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये बात? पहला आंसर यहां से मिल गया, x प्लस 5 मान लो उसको 0 के बराबर, प्लस का 5 वहां जाकर माइनस का 5, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर। चलो भाई, पीछे हमारे पास ये इक्वेशन बची, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें से ए बी सी अलग कर लेते हैं, तो ए क्या होगा बच्चों? एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, 1 है, तो ये हमारा 1 हुआ। बी कौन है भाई? माइनस 5, एक्स के साथ कौन है? माइनस 5, तो ये हमारा बी हुआ
व्हाट अबाउट सी, जो कांस्टेंट रह जाता है आखिर में, ये हमारा सी हो गया। फॉर्मूले पर आते हैं, फॉर्मूला है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल टू ये माइनस, अब देखो बी माइनस का है तो मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा माइनस का फाइव, ठीक है। ये बात एहतियात से करनी है, ये बात जो है गौर से सुननी है, समझनी है। जब आपका बी माइनस में हो ना, फिर आपने ब्रैकेट के अंदर बी की वैल्यू रखनी है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। पिछले दो क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट लगा दी थी क्योंकि वो प्लस की थी, ठीक है, तो डायरेक्ट लगा दी। जब भी आपके पास माइनस की हो तो फिर आपने ब्रैकेट का यूज करना है। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए और सी अपॉन टू और ए। चलो भाई, तो बी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस फाइव, ए की जगह वन, सी की जगह ट्वेंटी फाइव, तो ए की जगह वन। चलिए भाई सिंप्लीफाई करते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस फाइव, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस अंडर रूट। हाँ भाई, माइनस का नंबर है, पावर क्या है, इवन नंबर। एक हजार दफा से ज्यादा दफा बता चुका हूं, जब भी नंबर माइनस में हो पावर इवन नंबर हो, जीरो दो चार छ आठ, अगर ऐसी कोई पावर हो तो आंसर हमेशा प्लस के अंदर आता है, ठीक है। तो माइनस फाइव का स्क्वायर क्या होगा, प्लस ट्वेंटी फाइव, ये गलती नहीं करनी है। माइनस प्लस माइनस, ट्वेंटी फाइव फोर जा वन हंड्रेड, ठीक है, अपॉन टू वन जा टू, पचास और सौ, ठीक है, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, एक्स इज इक्वल टू फाइव प्लस माइनस अंडर रूट, सौ में से पच्चीस चले गए पिचहत्तर, सौ बड़ा माइनस का सेवेंटी फाइव अपॉन टू, क्लियर है। सेवेंटी फाइव आया, एलसीएम ले लेते हैं सेवेंटी फाइव का, पिछला वाला एलसीएम थोड़ा ऊपर चला गया था हवा में, कोई मसला नहीं, मेरे बच्चे होशियार हैं, 108 का एलसीएम मेरे ख्याल में वो ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फाइव वन ज़ा फाइव, टू यहाँ गए, फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, थ्री वन ज़ा थ्री, परफेक्ट है, परफेक्ट है। जो अकेला है उसको माइनस का कर दो। सो एक्स इज इक्वल टू फाइव प्लस माइनस अंडर रूट, तो माइनस सेवेंटी फाइव की जगह बच्चों लिख सकता हूँ फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय माइनस का थ्री। बोलो भाई, लिख सकते हैं, हर जगह बेचारा थ्री कुर्बानी देता है, क्योंकि थ्री अकेला रह जाता है, उसके साथ कोई जोड़ी नहीं बनाता, उसके साथ शादी कोई नहीं करता। चले भाई, तो थ्री अकेला रह गया, जो अकेला नंबर है ना, जो अकेला रह जाए, ठीक है, उसके साथ माइनस लगा देना है, बाकी सारे प्लस के, अपॉन टू। अरे ये कहाँ से आ जाता है, एक्स इज इक्वल टू फाइव प्लस माइनस, फाइव की जोड़ी बन रही है, एक ही ये बाहर निकला है, अंदर कौन रह गया, माइनस थ्री अपॉन टू। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। एक्स इज इक्वल टू फाइव प्लस माइनस फाइव, हाँ भाई माइनस थ्री को लिख सकते हैं, थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस वन। बोलो भाई, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्स इज इक्वल टू फाइव प्लस माइनस अंडर रूट थ्री, माइनस वन की जगह आयोटा स्क्वायर। अरे यहाँ फाइव तो मैंने लिखा ही नहीं, फाइव प्लस माइनस फाइव अपॉन टू, ठीक है, आयोटा स्क्वायर से रूट मर गया तो आयोटा बाहर, अंडर रूट थ्री अपॉन टू। नाउ वी हैव टू कंडीशंस, दो कंडीशंस बनेंगी भाई। पहली कंडीशन क्या बनेगी, एक्स इज इक्वल टू फाइव प्लस फाइव आयोटा अंडर रूट थ्री अपॉन टू, और एक कंडीशन क्या बनेगी, एक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस फाइव आयोटा अंडर रूट थ्री अपॉन टू। क्लियर है, एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ। चलो भाई, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ठीक है, जिसके लिए तुम इंतजार कर रहे थे, मुझे पता है जो वीडियो तुम देख रहे हो इस क्वेश्चन को देखने के लिए, और क्यों देख रहे हो, ठीक है, यहां पर आकर बच्चे अटकते हैं। अब देखो गौर से, देसी टोटका याद रखोगे, कभी भी मुश्किल नहीं होने वाली। क्वेश्चन किसके अंदर था, माइनस के अंदर था, क्वेश्चन किस में था, माइनस में, जब प्लस में था तो जबरदस्ती प्लस का नंबर कॉमन लिया था। अब जब माइनस का क्वेश्चन है तो दोनों में से तुमने माइनस का कॉमन लेना है। अरे सर ये कैसे होगा, ये वैसे ही होगा जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर दोनों सिक्स प्लस के थे, ठीक है, दोनों माइनस के थे, हमने प्लस का सिक्स कॉमन ले लिया था, यहां पर भी ऐसे ही होगा, दोनों फाइव प्लस के हैं, लेकिन हम कॉमन क्या लेंगे, हम कॉमन क्या लेंगे बच्चों, हम कॉमन लेंगे माइनस का फाइव, ठीक है। अब गौर से देखो, माइनस का फाइव आया, ये फाइव बाहर चला गया, पीछे क्या बचेगा, माइनस का वन, क्यों, माइनस प्लस माइनस,
बात समझ में आ रही है? अब गौर से देखो, माइनस प्लस माइनस, ये फाइव चला गया, पीछे क्या बचा? आयोटा अंडर रूट थ्री अपॉन टू। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव माइनस वन माइनस आयोटा अंडर रूट थ्री अपॉन टू, किसके बराबर? ओमेगा स्क्वायर के बराबर। माइनस वन माइनस आयोटा अंडर रूट थ्री अपॉन टू ओमेगा स्क्वायर, लेकिन आपने साथ में रेफरेंस देना है, वो लिखना है, फिर ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है। कॉन्सेप्ट आया, फील आया, जिसके लिए तुम वीडियो देख रहे थे, मिला उसका जवाब? मिला। कैसे पता चला? अरे क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन माइनस का है तो जब आइदर और की कंडीशन बनेगी तो माइनस का नंबर कॉमन लेना है, जब क्वेश्चन प्लस का है तो कुछ भी कंडीशन हो, कुछ भी कंडीशन हो, तुमने प्लस का नंबर कॉमन लेना है। ये नहीं देखना कि दोनों माइनस के, सर कैसे होगा? अरे मैथ कहता है ले सकते हैं, मैथ ने इजाजत दी, आप कौन होते? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों के अंदर भी क्या करेंगे, जबरदस्ती माइनस का फाइव कॉमन लेंगे, ठीक है? तो ये प्लस का फाइव था, चला गया माइनस का फाइव, तो ये माइनस का वन बचेगा। ये बात समझ में आ रही है ना भाई? माइनस प्लस माइनस, तो फाइव चला गया, पीछे वन बचा। अब देखो देखो गौर से सुनो, माइनस माइनस प्लस, फाइव चला गया, पीछे क्या बचा? आयोटा अंडर रूट थ्री अपॉन टू। हाँ भाई, माइनस फाइव माइनस वन प्लस आयोटा अंडर रूट थ्री अपॉन टू किसके बराबर? ओमेगा के बराबर। आ गया आंसर, बोलो भाई आंसर आया, फील आया, फील आया, कॉन्सेप्ट आया, बात समझ में आई? ये सारी चीज़ एक साथ आनी चाहिए, ये सारी चीज़ एक साथ आ, जब तक साथ नहीं आएगी मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? तो ये थे बच्चों हमारे पास तीन पार्ट। आई नो काफ़ी लंबा वीडियो हुआ, ठीक है, लेकिन ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो कि आप कभी भी ना भूलें। क्यों ना प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाए, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाए, बोलो भाई आवाज़ आनी चाहिए। यस सर, वी वॉन्ट फ्रीडम। अरे नहीं, फ्रीडम कहाँ से आ गया? वी वॉन्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलो भाई तीन दे दे, काफ़ी होंगे। पहला क्वेश्चन 27, ठीक है, इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर आना चाहिए थ्री ओमेगा, इसका आंसर आना चाहिए थ्री ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा तुम्हें दे देते हैं, पाँच का हो गया, आठ दे देते हैं, आठ ले लो, ठीक है? आठ का आंसर आना चाहिए दो ओमेगा स्क्वायर। माइनस का फंसना चाहिए तो नहीं यार, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच भी हो गया, छः हो गया, सात का जो है, सात सौ उनतीस, सात तीन सौ त्रियालीस, ठीक है? तो एक दे देते हैं आपको, एक आपको दे देते हैं माइनस का 343, ठीक है? इसका आंसर आना चाहिए माइनस सेवन ओमेगा, माइनस सेवन और माइनस सेवन ओमेगा स्क्वायर। चलो भाई मज़ा आया, मज़ा आएगा, देखो फील आएगा जब ये क्वेश्चन करके बताओगे और कमेंट में करके बताओगे, लिख दोगे कि सर आंसर बिल्कुल सही आया। मज़ा आएगा, फील आएगा कि आप जब कहेंगे सर प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही आए। तो उसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर टू की। ओके जी, सो नाउ वी हैव अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है? अब यहाँ पर बातें तो दो हैं, लेकिन उन बातों को हम तोड़ मोड़ के बहुत सारी बातें बनाएंगे, ठीक है? और दो ही चीज़ें, उनको बहुत अच्छे से सीख लो, ये क्वेश्चन भी होगा, अगला वाला भी होगा, ठीक है? बातें क्या है ज़रा गौर से सुनो। सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी बच्चों, ओमेगा क्यूब जो है ना, ओमेगा की पावर थ्री, ये वन के बराबर होती है, ठीक है? पहली बात। एक बात और याद रखनी है, वो क्या है? एक फॉर्मूला है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है जीरो के। क्या बात बताई? दो बातें बताई, एक बात ये बताई कि ओमेगा
क्यूब ओमेगा की पावर 3 जो है ये हमेशा 1 के बराबर होगी, ये भी प्रूफ करवाऊंगा। अगर कमेंट करोगे, जैसे मैंने पिछले उसमें कहा था कि सर ये ओमेगा की वैल्यू कहाँ से आई थी, जो हमने यहाँ लिखी थी ओमेगा स्क्वायर की कहाँ से आई थी, अगर आप वो प्रूफ चाहते हैं कि सर मैं करूँ, तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। सिमिलरली अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इन दो फार्मूलाज को भी प्रूफ करके दिखाऊँ, तो आपने कमेंट में बताना है, फिर हम इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है 0 के। अब मेरी बात गौर से सुनो। अब इस फॉर्मूले से बच्चों, इस फॉर्मूले से हम 2-3 फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे? मैं इस ओमेगा स्क्वायर को वहां ले जाता हूं, तो जरा गौर से देखो, यहां क्या बचेगा? 1 प्लस ओमेगा बचेगा, ये ओमेगा स्क्वायर वहां चला गया, तो ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, एक नया फॉर्मूला बना। ठीक है, अब इसी से ओमेगा स्क्वायर को यही रहने देता हूं, ओमेगा को वहां ले जाता हूं, तो बच्चों क्या बचेगा इधर? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा वहां चला गया, माइनस का ओमेगा। ठीक है, अब मैं इन दोनों को यहां रहने देता हूं, 1 को वहां ले जाता हूं, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये यही रहने दिए, प्लस का 1 वहां जाकर माइनस। अब बच्चों एक ही फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले और बनाकर दिखाए, और ये चारों फॉर्मूले आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। एक ही फॉर्मूला देखो, मैं डायरेक्ट भी ये लिख सकता था कि बच्चों याद कर लो, आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, आप फंस जाते हैं, सर कैसे 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर 1 प्लस, अरे याद करने की जरूरत ही नहीं है, एक फॉर्मूला याद करो, इसी से बाकी बनाए। ठीक है, एक एक को उधर ले जाओ, पहले ओमेगा स्क्वायर को वहां ले गए, फिर ओमेगा को वहां ले गए, फिर 1 को वहां ले गए, दो दो एक तरफ रख दो, एक एक को शिफ्ट कर दो, देसी टोटका, देसी टोटका। ठीक है, चलो अब आओ क्वेश्चन की तरफ आओ। सोल्यूशन, सोल्यूशन, पहला क्वेश्चन, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4। अब बताओ मुझे कोई मुश्किल सवाल, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये रहा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? माइनस ओमेगा। अरे सर कहानी खत्म हो गई, हम तो समझ रहे थे पत्नी क्या होगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह आप क्या लिख देंगे? माइनस ओमेगा, और होल पावर क्या है? 4। लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, रेफरेंस देंगे, यहां पर आप 3 उल्टे डॉट बनाएंगे और आप लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस ओमेगा के, तो हमने इसकी जगह पर माइनस ओमेगा पुट किया। एक बात और याद रखनी है, एक बात और याद रखनी है, क्या वो बात ये याद रखनी है, इसी के साथ लिख रहा हूं, ओमेगा क्यूब की कोई भी पावर हो, मैं यहां पावर एक्स लिख रहा हूं, गौर से सुनना, ओमेगा क्यूब की कोई भी पावर हो 1 के बराबर होती है। सर ये क्या कहा आपने, कुछ समझ नहीं आया, देखो मैं देखो समझ में आएगा, मैंने आपसे कहा कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, ये बात समझ में आ गई, गौर से सुनना, अब मैंने क्या कहा कि ओमेगा क्यूब के ऊपर कोई भी पावर हो वह 1 के बराबर होगा। सर ये क्या कह रहे हैं आप, समझ नहीं आ रहा। अरे समझो भाई, अगर ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, तो इस ओमेगा क्यूब की जगह अगर मैं 1 रख दूं, गौर से देखो, इस ओमेगा क्यूब की जगह मैं 1 रख दूं और 1 की पावर कुछ भी हो, क्या आंसर आता है? 1 आता है। बात समझ में आई? तो ओमेगा क्यूब की पावर कोई भी हो वो 1 होता है। भाई फील आ रहा है, कॉन्सेप्ट आ रहा है, देखो कॉन्सेप्ट आना चाहिए वरना मजा नहीं आएगा, वरना मजा नहीं आएगा, फील आना चाहिए। ठीक है, आओ इधर आओ, तो माइनस ओमेगा, अच्छा अब देखो नंबर माइनस का अभी बताया था, पावर इवन नंबर है ना, 0, 2, 4, 6 इवन नंबर, तो आंसर क्या आएगा? प्लस का ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की पावर 4 को बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, बोलो भाई लिख सकता हूं। सर ये क्या बातें कर रहे हैं, अरे सर ने वही बातें की हैं जो तुम्हें 9 में पढ़ाई हैं। भाई मैं b की पावर 6 को ऐसे लिख सकता हूँ, b की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 3, अरे लिख तो सकते हैं, क्लास 9 में लॉ ऑफ प्रोडक्ट पढ़ा था। लॉ ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है भाई, अगर बेस एक जैसी है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम उसको एक दफ़ा लिख के पावर ऐड कर देते हैं, 3 और 3 6 हो गई, भाई लिख सकते हैं ना। यहां मैं उल्टा काम कर रहा हूं, यहां मैं उल्टा काम कर रहा हूं, 4 था ना उसको तोड़ दिया 3 और 1 के अंदर, आप 2 और 2 के अंदर भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, आप 2 और 2 में भी तोड़ सकते हैं। सर ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे ओमेगा क्यूब चाहिए, क्योंकि ओमेगा क्यूब मुझे पता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो हर जगह कोशिश करेंगे ओमेगा क्यूब बनाने की। तो अब यहां पर मैं अगेन 3 उल्टे डॉट बनाऊंगा, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, तो इस ओमेगा क्यूब की जगह मैंने 1 लिखा, साथ में आ गया ओमेगा, तो 1 ओमेगा, हम 1 नहीं लिखते, ओमेगा 1 जा ओमेगा। नाउ दिस इज योर आंसर। फील आया, मजा आया? ठीक है, कोई लेंदी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, सारी बातें कॉन्सेप्ट की हैं, 4 चीज़ें हैं, बार बार इस्तेमाल होंगी, पावर तोड़नी, पावर जोड़नी, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, क्लास 9 में भी बताई हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई आपके लिए मुश्किल चीज़ होने वाली है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। आओ भाई अगले पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने
घबराना नहीं है। कॉन्सेप्ट को देखते जाओ यार, बहुत मजे के क्वेश्चन है, बहुत मजे के, बस समझना है कॉन्सेप्ट है, ठीक है। थोड़ी सी गलती जो है वो क्वेश्चन को गलत कर सकती है। पार्ट नंबर टू, वन माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा चलो, मैं क्या करता हूं, मैं वन को इस ओमेगा स्क्वायर के साथ लिख देता हूं, तरतीब दे रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा। वन लिखा प्लस का ओमेगा स्क्वायर इसके साथ लिख दिया, आखिर में लिख दिया माइनस ओमेगा, ठीक है। यहां पर पहले से ये प्लस वाले साथ लिखे हुए हैं, इनको लिखा रहने देते हैं, माइनस वाले को अलग कर देते हैं। हाँ भाई, हाँ भाई, देखो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस ओमेगा के। हर चीज यहां पहले से लिखी हुई है, सारी चीट कोड लिखी हुई है गेम की है, गेम खेलने से पहले कोड डाल दो ताकि मर ही नहीं बंदा है। यहां पर वन प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है किसके बराबर, माइनस ओमेगा। तो आपने यहां लिखना है कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस ओमेगा। तो इन दोनों की जगह बच्चों मैंने क्या लिख दिया, माइनस ओमेगा, और एक माइनस ओमेगा पहले से वहां मौजूद है, ठीक है, वो ऐसे ही आ गया। आप इधर आओ, वन प्लस ओमेगा, वन प्लस ओमेगा किसके बराबर, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी जगह लिख सकता हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहां पर लिखना पड़ेगा, वन प्लस ओमेगा बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ रहा है, एक ही फॉर्मूला है, बार बार जोड़ तोड़ एक ही फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी जगह आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर पहले से यहां पर मौजूद है। चलो भाई, माइनस 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 प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है याद रखना, ठीक है। यहां वन है, यहां वन है, तो कितने हुए भाई, टू ओमेगा हो गए। इधर आओ, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है, ठीक है। एक और एक कितने हुए, दो ओमेगा स्क्वायर। अब बच्चों ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट है ना, तो माइनस माइनस प्लस, टू टू जा फोर, एक ओमेगा दो ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अभी मिसाल दी थी, मल्टीप्लाई पावर एड कर दो तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब। हमें पता है ओमेगा क्यूब बराबर होता है वन के, ठीक है। तो ओमेगा क्यूब की जगह क्या लिख दिया, वन लिख दिया, और आसान हो गया, फोर वन जा फोर, एंड नाउ दिस इज योर आंसर, नाउ दिस इज योर आंसर। मजा आ रहा है, फील आ रहा है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। एक ही फॉर्मूला है, जोड़ तोड़ जोड़ तोड़ जोड़ तोड़, जो हमारे सियासतदान करते हैं हम भी वही कर रहे हैं, ठीक है। एक ही बंदे को घुमा फिरा रहे हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बच्चों ये दो पार्ट कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके जल्दी से, शाबाश। फिर हम बात करते हैं पार्ट नंबर थ्री की। चलो भाई, पार्ट नंबर थ्री को देखते हैं कि क्या सीन है भाई इसका, और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। चार ही पार्ट है, फिर हम मूव ऑन करेंगे पार्ट नंबर थ्री की तरफ इंशाल्लाह, क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। चलो लेट्स चेक इट आउट, पार्ट नंबर सॉरी थ्री, पार्ट नंबर थ्री, टू प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, ठीक है। चलो अब सर, यहां तो जोड़ तोड़ नजर ही नहीं आ रही, यहां पर तो 1 1 है हर जगह, यहां 1 नहीं नजर आ रहा, 1 ला सकते हैं भाई, एक जैसा को जमा कर दो ना, एक जगह जमा से मतलब एक जगह कर दो, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 ओमेगा स्क्वायर, सिर्फ तरतीब दी है, एक जगह लिख दिया और आखिर में लिख दिया 5 ओमेगा होल पावर है 6। तो इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं जी, 2 कॉमन ले लिया तो ये 2 चला गया पीछे 1, प्लस ये 2 चला गया तो ओमेगा स्क्वायर प्लस का 5 ओमेगा होल पावर लगी हुई है 6। चलो भाई, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, हाँ भाई किसके बराबर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के बराबर, ये रहा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, माइनस ओमेगा। तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं माइनस ओमेगा, लिख दिया प्लस 5 ओमेगा होल पावर 6। चलो भाई, तो प्लस माइनस माइनस 2 ओमेगा, 2 ओमेगा जो 2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा की होल पावर 6। चलो भाई, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 गए 3, 5 बड़ा है तो प्लस का 3 ओमेगा होल पावर 6। नाउ 3 की पावर 6 बच्चों 729, और W की पावर 6 क्या ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, W क्यूब की पावर 2 लिख सकता हूँ। हाय 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 सर, क्या कर दिया, क्या कर दिया। जब भी पावर के ऊपर पावर आती है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 टू जा 6 आ जाएगा, आ जाएगा सर। W क्यूब यानी कि ओमेगा क्यूब क्यों बनाते हैं भाई, तो ओमेगा क्यूब हमें पता है ना कि 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ बताएंगे हम
ओमेगा क्यूब बराबर 1 के, तो 729 क्या हो गया, 729 इंटू 1 और उसका स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की जगह 1 और उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 729। नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर। मजा आया, कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। सो दिस इज योर पार्ट नंबर 3 बच्चों। नाउ मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। ओके जी, सो नाउ वी हैव पार्ट नंबर 4 जो कि थोड़ा लिटिल बिट ट्रिकी है, तो इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो पहले मैं तो इसको कॉपी कर लेता हूँ। सॉल्यूशन के अंदर माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 इसकी पावर 4, ठीक है, प्लस माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 और होल पावर 4। हाँ भाई, कुछ जानी पहचानी चीज़ लग रही है, हैं, कुछ जानी पहचानी चीज़ लग रही है। जानी पहचानी चीज़ क्या लग रही है भाई? माइनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 किसके बराबर था? ओमेगा के बराबर था, ठीक है। अभी किया था ना, अभी हमने उस जैसा बनाना है, ठीक है। गौर से देखो, गौर से देखो। सबसे पहले क्या करते हैं भाई, माइनस 1 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, बोलो भाई लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। होल पावर है, होल पावर है 4, ठीक है। प्लस यही काम यहाँ पर, माइनस 1 माइनस अंडर रूट, इस 3 को ऐसे लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, बोलो भाई होल पावर 4 लगी हुई है। चलो तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3, माइनस 1 की जगह हम लिख देंगे आयोटा स्क्वायर, होल पावर लगी हुई है 4, ठीक है। माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3, माइनस 1 की जगह आयोटा स्क्वायर, होल पावर लगी है 4। चलो माइनस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर से रूट मर गया, आयोटा बाहर, अंडर रूट 3। माइनस 1 आयोटा स्क्वायर से आयोटा मर गया, तो आयोटा बाहर, अंडर रूट 3, पावर 4 लगी हुई है, इसकी पावर भी 4। अभी भी वो नहीं आया बच्चों, अभी भी वो चीज़ नहीं आई जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए? माइनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2, 2 गायब है। 2 लाने के लिए क्या करेंगे भाई? बहुत आसान सी चीज़ है, मैथ कहता है जो चीज़ बढ़ाओ उसको घटा दो। तो हम यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है। दोनों को 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। कैसे भाई? 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 और होल पावर कितनी है भाई? 4 लगी हुई है। बात समझ में आई? अभी समझाते हैं, रुको जरा। माइनस 1 नहीं, पहले तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ना। 2 इंटू माइनस 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 होल पावर लगी है 4। आप जरा देखो भाई, मैथ ये कहता है कि अगर आप खुद से प्लस 4 कर रहे हो तो माइनस 4 भी करना पड़ेगा भाई। जो बढ़ाओ वो घटाओ, क्लास 9 के अंदर भी हमने ये चीज पढ़ रखी है, पढ़ी है ना भाई। तो इसी तरह मैथ कहता है कि जो मल्टीप्लाई कराओ वो डिवाइड भी तो कराना पड़ेगा ना। हम चाहते थे कि हमारे डिनोमिनेटर में 2 आ जाए, तो डिवाइड तो हम ऐसे नहीं करवा सकते, अगर करवाना है तो मल्टीप्लाई भी करवाना है। तो मैंने इसी वैल्यू को लिखा, तो एक 2 इसके नीचे लगा दिया, एक 2 से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब ये चीज बन गई जो हमें चाहिए थी। हाँ भाई, तो अब यहां पर हम लिख लेते हैं, एस वी नो के माइनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 बराबर होता है बच्चों ओमेगा के, ठीक है। तो इस पूरे इसकी जगह क्या आ जाएगा? ओमेगा, और 2 ऐसे ही रह जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 ओमेगा और इसके ऊपर पावर क्या लगी हुई है? 4। मजा आया है, कैसे जज्बात बदल दी है, वक्त बदल दिया, पूरी कहानी चेंज हो गई, ठीक है। सेम गोस हियर नाउ, प्लस, ठीक है, माइनस 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 बताना पड़ेगा भाई। माइनस 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के। तो ये 2 तो ऐसे ही रहा, ठीक है, और इस पूरी जगह पर क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है? 4। क्लियर है बात, समझ में आई? चलो भाई, 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है, ओमेगा की पावर 4 का मतलब ओमेगा की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 16 होता है। अब ये देखो, पावर पे पावर है, तो 2 4 8, क्लियर है। चलो, हमने सबको ओमेगा क्यूब बनाना है, तो 16 ओमेगा की पावर 4 को बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा लिख सकते हैं। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक दफा लिखा, इसकी पावर 3, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1, 3 और 1
4, ये याद रखना है, बीच में प्लस मत लगा देना, ठीक है। मल्टीप्लाई होता है तब पावर ऐड होती है, तो मैंने 4 को तोड़ के ऐसे लिख दिया। अब इधर आओ, प्लस का 16, मैं ओमेगा की पावर 8 को बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, तीनों बेस एक जैसी, एक दफा लिखा पावर जमा हो गई, 3 और 3 6, 6 और 2 8, मजा आया। यहाँ बताएंगे हम ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, तो 16 इस ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ गया और ये ओमेगा ऐसे ही रहा, ठीक है। नेक्स्ट, 16 इस ओमेगा क्यूब की जगह 1, इस ओमेगा क्यूब की जगह 1 और ये ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह ऐसे। मजा आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है। देखो इस क्वेश्चन को 2-3 तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन मेरी कोशिश है, जो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए बहुत आसान है, मैं उसी मेथड से करवा रहा हूँ, बाकी मेथड भी चलेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, 16 वन 16 और साथ में ओमेगा, 16 वन 16 16 वन 16 और साथ में ओमेगा स्क्वायर। आप दोनों में से आप 16 कॉमन ले लें तो पीछे क्या बचा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब कुछ बच्चों के जहन में सवाल आएगा, सर हमने 16 ओमेगा कॉमन क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ एक ओमेगा है यहाँ दो है। तो देखो, हमने ओमेगा को कॉमन लेके काम हमारा नहीं बनेगा, हमने ओमेगा की जितनी वैल्यूज उनको एक जगह जमा करना है। क्यों, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, हाँ भाई, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, ये रहा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, -1। तो इन दोनों की जगह पर यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 1, तो प्लस माइनस माइनस 16 वन 16, बात समझ में आई। तो कहीं पर भी आपने ओमेगा जो है वो बच्चों कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, उसको ब्रेक करो क्यूब के अंदर या फिर उसको ब्रेक करो फॉर्मूले के अंदर, एंड नाउ यू विल गेट योर आंसर, एंड -16 इज योर परफेक्ट आंसर। तो कैसा लग रहा है भाई, मजा आ रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है, कॉन्सेप्ट चल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। So now student, we have our last question of this exercise and this is question number 3. बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा, यही सारी चीजें हमने बार बार यूज करनी है, तो इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। चलो भाई शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, भाई शो करना है, शो मीन्स प्रूफ करना है, ठीक है। तो इज इक्वल टू के इस तरफ ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ राइट हैंड साइड होता है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड जरा हम कॉपी कर लेते हैं, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 8, ठीक है। इज इक्वल टू वाला नहीं लिखना है बच्चों, क्योंकि अभी हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। चलो भाई आप मुझे बताओ, ये वैल्यूज यहां लिखी हुई हैं, तो आप यहां पर लिखेंगे भाई, बताएंगे, ठीक है, रेफरेंस जरूर देना है कि एज वी नो 1 प्लस ओमेगा बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर 1 प्लस ओमेगा की जगह ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर। बात समझ में आ रही, बस रिप्लेसमेंट करते जाना है, वैल्यूज को पुट करते जाना है और सॉल्यूशन करते जाना है। इसी तरीके से हम ये भी बताएंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस ओमेगा के, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये रहा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस ओमेगा के। क्लियर है बच्चों बात, अब आओ यहां पर, अब आओ यहां पर थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है बच्चों। 1 प्लस, क्या मैं ओमेगा की पावर 4 को बच्चों ऐसे लिख सकता हूं, ओमेगा की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, बोलो भाई लिख सकता हूं। अभी बताया था वीडियो के स्टार्ट के अंदर कि हमने क्या किया है, पावर को ब्रेक कर दिया, ठीक है भाई। 4 थी ना पावर, तो हमने 3 और 1 के अंदर तोड़ दिया, यहां कुछ नहीं है 1 है। जब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसका मतलब बेस 1 है, ठीक है। तो हमने एक दफा लिखा 3 और 1 4, तो वैसे लिखो या ऐसे लिखो। अब फिर अगेन जहन में सवाल आ सकता है कि सर हमने ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर और स्क्वायर में क्यों नहीं तोड़ा, तो भाई इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर होता है, तो हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मालूम नहीं है, ठीक है। और जो मालूम है वो काफी लंबी है, -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2, वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हमने क्या किया, सिंपली ओमेगा 3 और ओमेगा में तोड़ दिया, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर में नहीं तोड़ा, तोड़ सकते हैं,
तोड़ सकते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि हम तोड़ नहीं सकते, तोड़ सकते हैं, लेकिन हम ओमेगा क्यूब की तरफ जाते हैं क्योंकि ओमेगा क्यूब सिंपली बराबर होती है 1 के। क्लियर हो रहा है बात, कॉन्सेप्ट आ रहा है बच्चों, आओ अगले के ऊपर। और ये जहन में रखना है बच्चों, ये दरमियान जब आप इसको तोड़ेंगे ना पावर को, तो आपने प्लस नहीं लगाना है, मल्टीप्लाई लगाना है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई का ये रूल होता है, जब बेस एक जैसी हो दरमियान में मल्टीप्लाई हो तो हम बेस को एक दफा लिखते हैं और पावर्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सिंपली यहां पर भी ऐसे ही करेंगे हम, जो 8 है बच्चों इसको हम तोड़ देते हैं, 1 प्लस ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है, 3 और 3 6 और 2 8, तीनों बेस एक जैसी हैं, मल्टीप्लाई हो रही है, एक दफा लिखा पावर ऐड हो गई, 3 3 6 और 2 8, समझ में आ रहा है बात, कॉन्सेप्ट आ रहा है। आप ओमेगा स्क्वायर भी 4 दफा लिख सकते थे, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, वो भी 8 के बराबर है, लेकिन ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बहुत बड़ी है, बहुत मुश्किल है, तो हम इसलिए ओमेगा क्यूब की तरफ जाते हैं। क्लियर है, कॉन्सेप्ट आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस हम लगाते नहीं है, ओमेगा स्क्वायर और यहाँ कुछ नहीं है तो ओमेगा की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब, ठीक है। यहाँ पर आओ बच्चों, 1 प्लस ओमेगा क्यूब, हाँ भाई हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब बराबर होता है खाली 1 के, ठीक है, तो इस ओमेगा क्यूब की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, 1 और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा। क्लियर है, ऐसे ही आगे आते हैं, 1 प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1, ओमेगा क्यूब की जगह 1 और ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। बात समझ में आ रही है, देखो एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं, कोई भी स्टेप डायरेक्ट नहीं कर रहा कि डायरेक्ट 1 लिख दिया, नहीं, पहले वैल्यू पुट की है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, डायरेक्ट मत किया करो, गलत हो जाता है। अच्छा भाई, ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के, तो इस ओमेगा क्यूब की जगह हमने लिख दिया 1, ठीक है। यहां पर आओ, 1 प्लस ओमेगा 1 जा ओमेगा, यहां आओ, 1 प्लस 1 1 जा 1 और 1 ओमेगा स्क्वायर जा 1 ओमेगा स्क्वायर 1 हम लिखते नहीं है। क्लियर है बात, वापस आओ, वापस आओ, 1 1 प्लस ओमेगा, हाँ भाई 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर था, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर, जबकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बच्चों किसके बराबर है, माइनस ओमेगा के, ठीक है। अच्छा अब देखो, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, तो अब हम 1 नहीं लिखते हैं, 1 को छोड़ दो, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा प्लस का ओमेगा क्यूब, और हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है बच्चों, 1 के बराबर होता है। नाउ दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। भाई बोलो, मजा आया, मजा आया, कमेंट में लाजमी बताना है, कमेंट में लाजमी बताना है कि भाई सर समझ में आया, कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब आ जाते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड के ऊपर क्या है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 4, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस 1 के, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ये रहा किधर है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, माइनस 1, तो हमने यहां बता दिया, तो अब हम इसकी जगह क्या लिख देंगे बच्चों, माइनस 1 और होल पावर 4। तो अभी भी बताया, शुरू में भी बताया, बहुत दफा बताया, जब भी आपके पास कोई नंबर माइनस में हो लेकिन उसकी पावर इवन नंबर हो, यानी कि 0 हो 2 हो 4 6 8, अगर ऐसी उसकी पावर है तो आंसर हमेशा प्लस में आता है, ठीक है। तो माइनस 1 या 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये माइनस 1 था लेकिन पावर इवन नंबर थी, इसलिए जवाब आएगा प्लस का 1, ठीक है। अगर पावर ऑड नंबर हो, ऑड नंबर यानी कि 1 3 5 7 ये हो, तो बच्चों आंसर फिर माइनस में ही आता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। सो दिस इज योर राइट हैंड साइड, तो बच्चों क्या हम ये कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, जी हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, लेफ्ट साइड भी 1 के बराबर है और राइट हैंड साइड भी 1 के बराबर है। मजा आ रहा है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, बोर तो नहीं हो रहे हो, हैं, फुल रिदम में चलना है, फुल कॉन्सेप्ट के साथ चलना है बच्चों। नाउ मूव ऑन होते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब अच्छा देखो, एक चीज याद रखनी है कि जब भी हमारे पास किसी दूसरी तरफ
खाली वेरिएबल्स हों, वेरिएबल से मुराद जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये खाली ए क्यूब और बी क्यूब है राइट हैंड साइड पर, तो हमें राइट हैंड साइड प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, पिछली एक्सरसाइज में किया भी था तो यकीनन याद भी होगा। तो बच्चों हमने जो बेसिकली प्रूफ करना है वो लेफ्ट हैंड साइड को करना है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, चले चले जी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, ए प्लस बी इंटू ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, ठीक है। देखो अब ये ए प्लस बी तो सिंपल हमें पहले से नजर आ रहा है तो उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये शरीफ बंदा है। ये दो ब्रैकेट्स हैं मल्टीप्ली, देखो मल्टीप्लाई तो ये भी हो रहा है लेकिन हमें करने की जरूरत नहीं क्योंकि ए और बी पहले से सेपरेटेड है। हमने जो काम करना होता है ना बच्चों वो करना होता है ओमेगा वाले के ऊपर, क्योंकि हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, ए और बी की हमें वैल्यू मालूम हो ही नहीं सकती, ठीक है। बात समझ में आ रही है, हम इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं भाई। ए ओमेगा जब ए ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ए और ए ए स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या बनेगा बच्चों, ओमेगा क्यूब, क्लियर है। अब ए ओमेगा को मल्टीप्लाई करवाएंगे बी ओमेगा के साथ, तो ए और बी आपस में मल्टीप्लाई होकर बनाएंगे ए बी ओमेगा और ओमेगा क्या बनाएंगे, ओमेगा स्क्वायर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब बारी है बी की, तो बी ओमेगा को हम ए के साथ करते हैं बच्चों, तो ये बनेगा ए बी ओमेगा स्क्वायर कितने हुए भाई, ओमेगा की पावर 4, दो और दो चार हो गए, सिंपल सी बात है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, प्लस 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 बी और बी बच्चों क्या हुआ, बी स्क्वायर हुआ, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा कितना हुआ, ओमेगा क्यूब, क्लियर है बात, कॉन्सेप्ट आ रहा है बच्चों, फील आ रहा है मुझे बताओ, चीजें क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए बच्चों कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी हैवंट मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी को क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया भाई, क्योंकि ए प्लस बी तो निकालना है, तो उन्होंने ऑलरेडी अलग करके दिया हुआ था, हम उसको वापस क्यों फंसाएं भाई, क्यों डालें उसको वापस, ठीक है। तो हम काम करेंगे ओमेगा वाले के ऊपर, चलो। तो ए प्लस बी इन टू, हाँ भाई जैसा कि हम जानते हैं ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, ठीक है। तो ये आया ए स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की जगह बच्चों हमने डाला 1, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर से ए बी कॉमन है, ठीक है, तो दोनों से ए बी कॉमन ले लिया, तो पीछे बचा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, सही है, अच्छा जी, प्लस बी स्क्वायर, ओमेगा क्यूब किसके बराबर, 1 के बराबर, तो इसकी जगह लिख दिया 1, क्लियर है बच्चों बात, कॉन्सेप्ट समझ में आया, फील आया, ठीक है। किस तरीके से हमने कॉमन लिया, कैसे वैल्यूज पुट की, आगे बढ़ते हैं। नाउ ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, वन ज़ा ए स्क्वायर ही होगा, प्लस का ए बी, ठीक है। यहाँ आओ बच्चों, यहाँ आओ, क्या करेंगे, ओमेगा की पावर 4 को नहीं छोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा के अंदर ब्रेक कर दिया, ठीक है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें मालूम है तो हमने इसलिए इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर वन ज़ा बी स्क्वायर, आगे बढ़ते हैं। सो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, 1, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा प्लस का बी स्क्वायर। डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं करना है, जैसे एक एक स्टेप बच्चों मैं करवा रहा हूँ आपने भी वैसे ही करना है, कहीं पर भी कोई काम डायरेक्ट नहीं करना है। ओमेगा वल्जा ओमेगा प्लस का बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, हाँ भाई अब आओ उधर। सो एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर होता है माइनस 1 के, ठीक है। ओमेगा पहले लिखो या बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखूं या ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा लिखूं, बात तो एक ही है, बराबर है माइनस 1 के, तो बच्चों इस ब्रैकेट की जगह यहां पर आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का बी स्क्वायर। चलो भाई, सो लास्ट स्टेप, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए बी
प्लस बी स्क्वायर हो गया प्रूफ। बोलो भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है? तो अब हम इसको इस फॉर्मूले को बंद कर देते हैं बच्चों, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा ए क्यूब प्लस का बी क्यूब एंड दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया हुआ, ठीक है। या तो इसको बंद कर दो, इसको बंद करके ये बना दो, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, या फिर इसको खोल दो तो यहीं पर आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। जब इसको खोलोगे बच्चों तो यही आंसर आएगा, तो बात समझ में आ रही है ना। तो दोनों मर्जी आपकी कि आप इसको बंद करके प्रूफ करें या फिर इसको आप यहीं तक रोक दें, इसको आप कह दें ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिर आपको राइट हैंड साइड खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो सिंपली इसको सिर्फ आपने ओपन कर देना है, खोल देना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ गया राइट हैंड साइड। तो बात तो एक ही, ठीक है। तो इसको यहाँ पर प्रूफ कर दो या फिर दोनों को बंद करके प्रूफ करो, ये आपकी मर्जी के ऊपर है, दोनों तरीके ठीक होंगे। हमारा मकसद है लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर प्रूफ करने का। तो बच्चों हमने ये प्रूफ कर लिया है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन ये पार्ट बहुत अच्छे से आपको क्लियर भी हुआ होगा, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर थ्री की तरफ। तो बच्चों अब हमारे पास है पार्ट नंबर थ्री, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लंबा चलेगा, लेकिन अगेन आप अगर देखें राइट हैंड साइड के ऊपर तो कोई ओमेगा नहीं है। अच्छा, बुक के अंदर क्वेश्चन में ये मिस्टेक है, उन्होंने यहाँ बी ए लिखा हुआ है, दैट इज नॉट बी ए, दैट इज बी सी, ठीक है। कुछ फार्मूला नजर आ रहा है, ऐसा फार्मूला हमने पढ़ा था ए प्लस बी का, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। बस उसमें ये होता है कि इनके साथ टू भी लगा होता है और ये सारे प्लस के होते हैं, यहाँ पर ये माइनस के हो गए और टू हट गया है, ठीक है। बहरहाल कोई बात नहीं, तो तकरीबन मिलता जुलता। तो बात समझाने की ये है कि भाई हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो हम ले लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी इंटू ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा सी, ठीक है। दोनों ब्रैकेट में ओमेगा है तो दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा भैया, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में दो ब्रैकेट्स को किया था ऐसे यहां पर भी, लेकिन यहां पर वैल्यूज ज्यादा है तो थोड़ा सा लंबा चलेगा, नो प्रॉब्लम, गौर से देखना है, ठीक है, एहतियात से। सबसे पहले ए को मल्टीप्लाई करेंगे हम ए के साथ बच्चों, क्या बनेगा ये ए स्क्वायर, फिर ए को आप करेंगे ओमेगा स्क्वायर बी के साथ, ठीक है। अब जरा गौर से देखना है, तो ए और बी आपस में मिलकर ए बी हो गए और इसके साथ में क्या है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब हम करेंगे ए को ओमेगा सी के साथ, चलो भाई तो ए और सी मिलकर हो गए ए सी और साथ में कौन है ओमेगा, क्लियर है, बहुत एहतियात से काम करना है। नेक्स्ट अब बात आएगी ओमेगा बी की, ठीक है। तो ओमेगा बी को हम सबसे पहले ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी, देखो गौर से देखो ए बी और साथ में ओमेगा, ठीक है। फिर हम ओमेगा बी को करेंगे ओमेगा स्क्वायर बी के साथ, तो बी और बी आपस में बच्चों क्या हुआ बी स्क्वायर हुआ, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर क्या हुआ बच्चों ओमेगा क्यूब, ठीक है, क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पर हमने हाँ ठीक है ठीक है, अब ओमेगा बी को हम करते हैं ओमेगा सी के साथ, तो ओमेगा अच्छा पहले बी और सी, तो बी और सी आपस में मिले तो बी और सी बना, जबकि ओमेगा और ओमेगा आपस में मिलके इन्होंने बनाया ओमेगा स्क्वायर, क्लियर है बात। अभी दो हो गए तीसरा रहता है, अब इसकी बारी, तो इसको हम करेंगे ए के साथ, तो ए और सी आपस में मिलकर हुए ए सी और साथ में कौन है बच्चों ओमेगा स्क्वायर, बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट आ रहा है, फील आना चाहिए बच्चों, फील आना चाहिए कि समझ में आ रही चीज, ठीक है। तो इस चीज को देखा करो, आगे बढ़ते हैं। अब ओमेगा सी को हम करते हैं इसके साथ, ठीक है, तो बी और सी मिलकर हो गए बी सी और ओमेगा स्क्वायर बच्चों क्या बना ओमेगा की पावर फोर, ठीक है। अब आओ उसकी तरफ, सी और सी मिलकर हुए सी स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मिलकर हो गए ओमेगा क्यूब। बोलो भाई मल्टीप्लिकेशन समझ में आई, काफी लंबा था,
ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली करना था, तो क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स में ओमेगा था, तो इसलिए हमें जब तक हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो बच्चों सिचुएशन क्लियर नहीं होगी, तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया है। चलो भैया काम शुरू करते हैं, चलो 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 सब देखते जाओ कि हम क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं। एक जैसे जो है कहीं नजर आ रहे हैं तो उनको हम पहले एक जगह कर लेते हैं, देखो किस तरीके से ए स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वाले पहले लिख लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ये वाला, फिर ये वाला सी स्क्वायर और ओमेगा क्यूब, सी स्क्वायर और ओमेगा क्यूब। अब जो बच गया वो लिखते जाते हैं, तो ये बचा ए बी ओमेगा स्क्वायर, ए बी ओमेगा स्क्वायर, ए बी और देखो ये रहा, ठीक है, तो ए बी ओमेगा और ए बी नहीं है, अब आओ बी सी के ऊपर, ये रहा, तो बी सी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये रहा एक बी सी, बी सी ओमेगा की पावर फोर, ठीक है, अब ए सी बचा, ये रहा, ठीक है, सिर्फ तरतीब दिए बच्चों, इनको सीक्वेंस से अरेंज किया, बाकी कुछ नहीं किया। तो ए सी पहले ओमेगा स्क्वायर वाला लिख लेते हैं, ए सी ओमेगा स्क्वायर, और फिर हम लिख लेते हैं ए सी ओमेगा, ठीक है, वही ब्रैकेट्स हैं, वही टर्म्स हैं, वही वैल्यूज हैं, हमने कुछ नहीं किया बच्चों, हमने सिर्फ और सिर्फ इनको अरेंज कर दिया एक जैसे घर वालों को, एक जगह जमा कर दिया, पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वालों को एक जगह कर दिया, फिर ए बी, फिर बी सी और फिर ए सी ए सी, क्लियर है, अगला स्टेप समझ में तो आ रहा होगा क्या करने वाले हैं। चलो भाई, सो यहां पर हम बता देते हैं, एज वी नो ओमेगा क्यूब बराबर होता है वन के, तो ये ओमेगा क्यूब आपको नजर आ रहा है बच्चों, तो आपने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी वन, सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब की जगह आ गया वन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों से बच्चों ए बी कॉमन ले लो, दोनों के पास ए बी, ओमेगा कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है, जहन में सवाल आ सकता है सर यहां दो ओमेगा यहां एक ओमेगा, ओमेगा भी कॉमन ले सकते हैं, तो नहीं, ओमेगा हमने क्योंकि सिंपलीफाई करना है बच्चों, तो हमने ओमेगा को कॉमन नहीं लेना, इस चीज को जहन में रखना है, ठीक है, तो दोनों से ए बी कॉमन ले लेते हैं। चलो भाई, तो यहां क्या बचा ओमेगा स्क्वायर, और यहां क्या बचेगा खाली ओमेगा, ठीक है, इन दोनों में से बी सी कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा कॉमन नहीं लेना है, बी सी चला गया, पीछे बचा ओमेगा स्क्वायर, पीछे बचा ओमेगा की पावर फोर। नेक्स्ट यहां आते हैं, सो ए सी कॉमन ले लिया, तो पीछे बचा ओमेगा स्क्वायर और पीछे बचा ओमेगा, क्लियर है बच्चों, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ हार्ड और इट्स अ डिफिकल्ट, ये मुश्किल तो मुझे नहीं लग रहा है, ऑब्वियसली थोड़ा सा लेंथी है, चीजें आपने करनी है सीखनी है, बाकी कोई मुश्किल नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, सो ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, बी स्क्वायर वनजा बी स्क्वायर सी स्क्वायर वनजा सी स्क्वायर, चलो भाई कुछ चांद नजर आना शुरू हो गया है, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये तीन चीजें तो हमें मिल गई हैं, आगे बढ़ते हैं। सो प्लस ए बी, चलो भाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर, माइनस वन, तो इस जगह इसकी जगह पर लिख देते हैं माइनस वन, ठीक है, यहाँ हो बच्चों प्लस का बी सी ओमेगा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बच्चों ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, बोलो भाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तोड़ दिया, ठीक है, ब्रेक कर दिया, आगे बढ़ते हैं, दिस इज बी स्क्वायर, आगे बढ़ते हैं, यहाँ आते हैं भाई, सो ए सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, अभी बताया माइनस वन के बराबर, ठीक है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो बच्चों या ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हो, यार बात एक ही होती है, ठीक है, ये पहले लिखो या वो पहले लिखो, दो में चार जमा करोगे तब भी छः आएगा, चार में दो जमा करोगे तब भी छः ही आएगा, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए बी वनजा ए बी, चलो भाई एक और चांद का टुकड़ा में नजर आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी थोड़ा सा काम बाकी है, सो बी सी इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की जगह बच्चों वन इंटू ओमेगा, ठीक है, तो वन हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम खाली क्या लिख देंगे ओमेगा, क्लियर है, प्लस माइनस माइनस ए सी वनजा ए सी, चलो भाई काफ़ी करीब लग गए हम, और हमारे पास हमारा ए सी या सी ए एक ही बात है, ठीक है,
मैं तरतीब से लिखता हूँ, सीक्वेंस से लिखता हूँ, ए पहले आता है तो इसलिए ए सी, सी ए बाद ए की, कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरी स्टेप, चलो भाई, सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी, हाँ भाई किसके बराबर, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस वन के बराबर। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लिया हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस माइनस माइनस बी सी माइनस ए सी या फिर सी ए। नाउ दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों राइट हैंड साइड हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा राइट हैंड साइड है वो हमारे लेफ्ट साइड के बराबर आ चुका है। सो नाउ वी कैन से आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मजा आ रहा है, क्लियर हो रहा है? देखो कॉन्सेप्ट आना चाहिए बच्चों, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कहाँ पर क्या किया है कैसे किया है। और बहुत ज़्यादा रिधम में समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको बिल्कुल ज़्यादा कहीं पर कोई क्वेश्चन भी फील ना हो आपके जहन में, जो क्वेश्चन आए, और मेरे जहन में वो ऑलरेडी वो क्वेश्चन होते हैं, मैं उनको जहन में रख कर ही बच्चों वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ कि आपके जहन में जो क्वेश्चन आने वाला है वो यकीनन ये होगा और उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन स्टिल इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन जस्ट ड्रॉप अ कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन। मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके नाउ स्टूडेंट वी हैव अवर सेकंड लास्ट पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके बाद हमारी एक्सरसाइज अपने अख्तिताम पर पहुंचेगी, एक्सरसाइज 20.2। अपना फीडबैक जरूर दिया करो यार, ठीक है, बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क के बाद ये वीडियोस आप तक पहुंचती हैं, तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, शेयर कर दिया करो, और साथ साथ कमेंट में ना हमें ज़रूर अपना फीडबैक दिया करो कि कौन सा पॉइंट ऐसा था जहां कोई चीज़ नहीं समझ में आई। और मैंने आपको बार बार बताया है बहुत सारी पिछली वीडियोज़ के अंदर ये चीज़ें डिस्कस की हैं कि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आपको पहले एक अच्छा टीचर बनना पड़ेगा। और वो कैसे है, सिंपल सी बात है कि आपने यहाँ से पढ़ा और आप क्लास में गए, आपने अपने दोस्त से अपने साथी से पूछा कि हाँ भाई तुम्हें ये क्वेश्चन आता है, इफ़ ही और शी सेड कि नहीं आता, जैसे उसको आप समझाएं। जब आप बच्चों किसी को कुछ समझाते हैं तो वो चीज़ आप जिंदगी भर नहीं भूलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ना कि मैथ आपको याद हो जाए, ठीक है, आपको हर स्टेप समझ में आ जाए, कोई क्यूरी ना रहे, आप दूसरों को समझाना शुरू कर दें और इन बांटने से बढ़ता है। चलो भाई, सो आ जाओ वापस आते हैं। तो कुछ बातें हमें क्वेश्चन नंबर वन की यहाँ नज़र आ रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन के अंदर हमने पढ़ा था कि जैसा कि हम जानते हैं ओमेगा बराबर होता है माइनस वन प्लस आयोटा अंडर रूट थ्री अपॉन टू के बराबर, और हम जानते हैं ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस वन माइनस आयोटा अंडर रूट थ्री अपॉन टू। ठीक है, सिंपल सी बात है। सो आपने सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन में क्वेश्चन को एक दफ़ा पहले कॉपी कर लिया करो, फिर उसके बाद उसके अंदर कोई चेंजेस लाया करो, डायरेक्ट जो है वो फिर नहीं होना चाहिए प्लस। अच्छा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है, माइनस वन माइनस आयोटा अंडर रूट थ्री अपॉन टू होल पावर नाइन माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। चलो भाई, तो माइनस वन प्लस आयोटा अंडर रूट थ्री अपॉन टू किसके बराबर, ओमेगा। तो इस पूरे की जगह हमने क्या लगा दिया, ओमेगा, और होल पावर क्या हो गई बच्चों, नाइन हो गई। ठीक है, प्लस इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, होल पावर क्या है भाई, नाइन। क्लियर, माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। चलो लेफ्ट साइड चल रहा है ना, तो हम इज इक्वल टू नहीं यूज करते, खाली माइनस टू, तो हमारा राइट हैंड साइड खुद ब खुद आ जाएगा। चलो भाई, चलो भाई, क्या बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ओमेगा क्यूब का क्यूब। अब देखो ये दो चीजें बहुत अलग अलग हैं, ठीक है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना। अगर बच्चों मैं लिखता हूं ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, और मैं लिखता हूं ओमेगा स्क्वायर की पावर थ्री, क्या दोनों में एक जैसा काम होगा? नहीं बच्चों, ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग बातें हैं। जब भी दो बेसिस एक जैसी मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो मैं इन दो ओमेगा की जगह मैंने एक ओमेगा लिखा और दो क्या हुआ, चार हो गया, ठीक है, जो अभी तक हम करते आ रहे थे। लेकिन जब बच्चों पावर के ऊपर पावर आ जाए, पावर के ऊपर पावर आ जाए, क्लास नाइन में ये सारी चीज़ें तुम्हें पढ़ाई हैं मैंने और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई हैं, तो जो पुराने स्टूडेंट हैं मेरे नहीं ख्याल कि उनको ये चीज़ समझने में कोई मुश्किल हो रही होगी, तो समझ आ गया होगा। जब भी पावर के ऊपर पावर आती है बच्चों तो ये मल्टीप्लाई होते हैं, ये ऐड नहीं होते, ये जमा नहीं होते। इस चीज़ को याद रखना, ये मत करना सर दो और तीन पाँच, सर आपने तो कहा था पावर ऐड, अरे सर ने कहा था कि जब मल्टीप्लाई हो रहा और दो बेसिस एक जैसी हो तो उनकी पावर ऐड होती है, यहाँ तो बेस ही एक है, यहां पर पावर के ऊपर पावर आ गई तो ये क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो टू थ्री जा सिक्स, इसका आंसर ये होगा।
बात समझ में आ रही है, ये चीज़ क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये हमने किया। तो अब ये देखो ओमेगा की पावर 9 थी, मैंने ऐसा लिख दिया ओमेगा क्यूब का क्यूब, क्लियर है। तो 3 से क्या आएगा, 9 आएगा। आओ आगे आते हैं, प्लस 2 निम 18, ठीक है, माइनस 2। हाँ भाई, जैसा कि हम जानते हैं ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, तो ओमेगा क्यूब की जगह 1 और उसकी पावर, देखो यहाँ पर एक चीज़ मैंने लिखी भी है, ओमेगा क्यूब की पावर कुछ भी हो 1 के बराबर, तो ओमेगा क्यूब की पावर 3 है ना, तो भी ये 1 ही आएगा, ठीक है। चलो भाई, इस बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यूब की पावर 6, 3 6 18। बोलो भाई, पावर पे पावर आ रही है तो ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 3 6 18 माइनस 2। आगे बढ़ें, चलो भाई 1 का क्यूब 1 होता है, ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ गया, 1 की पावर 6 माइनस 2, 1 प्लस 1 की पावर 6 1 के बराबर होती है, माइनस 2, 1 और 1 2 माइनस 2, प्लस 1 माइनस 2 कैंसिल, क्या आया 0, एंड दिस इज योर लेफ्ट 0, ठीक है। दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड, राइट साइड पहले ही 0 दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। मजा आया, फील आया, ठीक है। देखो किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव किया, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। द मोर योर कॉन्सेप्ट्स आर बिल्ट, जितना कॉन्सेप्ट आपका अच्छा बना हुआ होगा, अच्छा आपको समझ में आएगा, चीज़ें क्लियर होंगी। कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है बच्चों, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, ठीक है। पावर को कैसे ब्रेक करना है, पावर को पावर में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, पावर को बेसिस के अंदर कैसे सेपरेट कर सकते हैं, कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपने इस एक्सरसाइज में लाजमी सीख कर जानी है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की, जो कि हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो सॉल्यूशन में आए जी, ठीक है। सो अगेन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे पहले से 0 दिया हुआ है, तो उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होने वाली। क्यूब 1 माइनस ओमेगा होल पावर क्यूब इज इक्वल टू 0। चलो भाई ये देखो 1 प्लस ओमेगा, तो जैसा कि हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है, 1 प्लस ओमेगा बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, ये रहा 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी जगह पे बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और एक माइनस का ओमेगा स्क्वायर यहां पर पहले से मौजूद है। अब आओ इधर, 1 ये प्लस का ओमेगा स्क्वायर मैं यहाँ पहले लिख लेता हूँ, फिर मैं लिख लेता हूँ माइनस ओमेगा, ठीक है। सिर्फ अरेंजमेंट की है, प्लस वाले एक साथ लिख दो, माइनस वाले अलग कर दो। चलो अब यहाँ देखो, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन बच्चों माइनस होता है, 1 और 1 कितने हुए, 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3, क्लियर। आ जाओ भाई यहाँ आ जाओ, जैसा कि हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा के, सिंपल 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दे रहा किसके बराबर, माइनस ओमेगा। तो बच्चों इसकी जगह पर मैंने लिख दिया माइनस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा पहले से है पावर 3। समझ में आ रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट आ रहा है, तेज तो नहीं चल रहा है। चलो भाई अब देखो, नंबर माइनस है, पावर ऑड नंबर है, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, लेकिन नंबर माइनस में है ना और पावर ऑड है, तो आंसर भी माइनस में आएगा, ठीक है। 2 3 6, तो ओमेगा कितने आ गए 6, अच्छा जी माइनस 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 प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है, 1 और 1 कितने हुए, 2 ओमेगा होल पावर 3। चलो भाई, सो माइनस 8 ओमेगा की पावर 6, ये माइनस माइनस प्लस मत कर देना, पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो, माइनस 2 है, क्यूब क्या आएगा माइनस 8 आएगा, ठीक है, ओमेगा का क्यूब ओमेगा क्यूब, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्या बच्चों ओमेगा की पावर 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, बोलो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 2 6, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस 8 ओमेगा क्यूब, तो हम जानते हैं ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, तो इस ओमेगा क्यूब की जगह बच्चों क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। सो माइनस 8 इस ओमेगा क्यूब की जगह 1, और फिर ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, 8 1 8, हाँ भाई यहां कर लेते हैं माइनस 8, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 8, हाँ भाई माइनस प्लस माइनस 8 1 8 प्लस 8 माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल,
शून्य इज अवर आंसर, सो दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड। तो बोलो भाई क्या हम लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। बोलो भाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, एवरीथिंग इज क्लियर, क्लियर हाथ खड़ा करो, बताओ जी सर क्लियर। सो बच्चों ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 20.2 को अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीटली डिस्कस किया, और मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, आपकी हेल्प भी हुई होगी। तो हमें सपोर्ट करते रहें, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम ऑल्सो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।